पाकिस्तान में इंतखाबात की सदाएं गूगल तक भी पहुंच गईं। गूगल ने अपना डूडल आम इंतखाबात की हिमायत में तब्दील कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गूगल ने पाकिस्तान के इंतखाबात से मुतल्लिक अपना डूडल तब्दील कर दिया और बताया कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब होने हैं। गूगल अपना डूडल तब्दील करके याद दहानी करवा रहा है कि 13 अगस्त 2023 को कौमी असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही है और इसके बाद 60 दिनों में इंतखाबात करवाने हैं। इसका मतलब पाकिस्तान में आम इंतखाबात 14 अक्टूबर 2023 से पहले नहीं होंगे। गूगल ने अपने डूडल में पाकिस्तान का झंडा और बैलेट बॉक्स शामिल करते हुए आम इंतखाबात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है। बीपो जो है तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अदवियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खम्भों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती है। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खम्भों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइनबोर्ड्स और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। अवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निमटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ऐ अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ऐ अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।